हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं ये एनाकोंडा नाम की एक आईडी आती है जिसमें जुपिटर जो नोटबुक होता है उसको यूज करके हम प्रोग्राम बनाते हैं पाइथन में। तो यहाँ पर जुपिटर नोटबुक पे जाने के लिए सबसे पहले मैं टाइप करूंगा जुपिटर और यहाँ लिखूंगा नोटबुक। इस तरीके से आपको भी लिख देना है जुपिटर नोटबुक। तो ये लिख दिया जुपिटर नोटबुक और एंटर करते ही देखिए यहाँ पे जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपके सामने आएगा। यहाँ पर आ चुकी है वो, यहाँ से जाकर के और फिर पाइथन पे क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब ये इस तरीके से दिख रहा है। अब हम यहाँ पे लूप लगाएंगे। कौन सा लूप लगाएंगे? यहाँ पे लिखेंगे एक वेरिएबल का नाम ए दे दिया हमने। ए इज इक्वल टू ए में क्या स्टोर है? वन स्टोर करा दिया। ठीक है, अब ए में ऑलरेडी वन स्टोर है। ठीक है, और यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे वाइल। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वन के बजाय मैं 50 स्टोर करा देता हूँ, 50। ठीक है, और यहाँ पे वाइल लगाया A इज ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या करेंगे? ग्रेटर देन यहां पे कर देते हैं 10। ग्रेटर देन 10 कर दिया, यहां कॉलन लगा देंगे और कॉलन लगाने के बाद यहां पे आप देखिए यहां पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात होती है। तो यहां पे फिलहाल मैं प्रिंट करवा देता हूं, सीधा सीधा मैं क्या प्रिंट करवाता हूं? A प्रिंट करवाता हूं। अब ये A प्रिंट करवाने के बाद इसको रन करवाना है, तो यहां से जाके आप रन भी करवा सकते हैं, रन का बटन दिया हुआ है। तो यहां पर रन करवाएंगे ना तो आपको कंटिन्यूअसली 50 ही प्रिंट होता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो जो जुपिटर है ना वो बेसिकली बना हुआ है कि आप छोटे मोटे प्रोग्राम लिख करके चेक कर सकें कि ये प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका आउटपुट क्या आ रहा है। जैसे एक और दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा प्रिंट और मैंने डेमोनेटेड कोर्स में अपना नाम प्रिंट करवा दिया या कुछ भी लिख दिया, कंप्यूटर साइंस लिख दिया, जैसे मान लीजिए लिख दिया मैंने कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो ये इसी के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है ना, और अब इसको चलाना है ना तो शिफ्ट के साथ शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ एंटर दबाइए। ठीक है, ये चल गया, यहाँ पे देखिए आउटपुट आ गया है। शिफ्ट के साथ एंटर दबाइएगा ना तो जुपिटर आईडी में ये आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत सीखने उखने के लिए यूज होता है। ठीक है ना, ओके।